और उत्तराखंड में मानसून ने सक्रिय होने के चलते सिस्टम की चुनौती बढ़ गई है। उत्तराखंड में लगातार मानसून की सक्रियता ने सरकारी तंत्र की चुनौती बढ़ा दी है। भारी बारिश के चलते प्रदेश के कई इलाकों में भूस्खलन होने से कई मोटर मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, तो वहीं सड़क हादसे भी सामने आ रहे हैं। हालांकि आफत की बारिश की चुनौती से निपटने के लिए SDRF, NDRF और आपदा प्रबंधन की टीमें पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आई हैं। वहीं आपदा प्रबंधन के सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए हादसे में जिन यात्रियों की मृत्यु हुई है उनमें से एक के परिजन को की रिक्वेस्ट पर अंतिम संस्कार हरिद्वार में कर दिया गया है, जबकि अन्य शवों को हवाई मार्ग पर गुजरात भेजने की कार्रवाई की जा रही है। देखिए, चुनौती तो है क्योंकि काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहा है मौसम अभी, तो इसके लिए चुनौती तो है। तो हमारी जो टीमें डिफरेंट लोकेशंस पे हैं पूरी तरह अलर्ट रहती है, कहीं भी कुछ होता है तो उसके उसके समस्या के निराकरण के लिए तुरंत ही मौके पर पहुंचती है और कार्रवाई की जाती है। हमारी हेलीकॉप्टर की 2 हेलीकॉप्टर भी अलर्ट मोड में रहती है और मौसम अगर ठीक रहता है तो